नमस्कार, मैं शिवांगी शर्मा, न्यूज लाइफ में आपका स्वागत है। केजरीवाल का विश्वास को संदेश, पद व टिकट के लालच वाले पार्टी छोड़ बाहर जाएं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा विवाद राज्यसभा की सीट को लेकर है। जनवरी में होने वाले इस चुनाव के लिए पार्टी के भीतर टिकट को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। इसका एक नजारा गुरुवार को देखने को मिला। यहां कुमार विश्वास के कुछ समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में प्रदर्शन कर उनके लिए राज्यसभा सीट की मांग की और दफ्तर पर कब्जा कर लिया। इस बात से नाराज केजरीवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि जिन्हें पद और टिकट का लालच है वे पार्टी से बाहर जा सकते हैं। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की रैली में दिखे फिलिस्तीनी राजदूत, भारत सख्ती से उठाएगा मुद्दा। भारत ने कहा है कि वह 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की एक रैली में इस्लामाबाद में तैनात फिलिस्तीनी राजदूत की मौजूदगी का मुद्दा फिलिस्तीन के सामने सख्ती से उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविश कुमार ने बताया है कि हमने इस बाबत खबरें देखी हैं। हम नई दिल्ली में फिलिस्तीन राजदूत और फिलिस्तीनी अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को सख्ती से उठाएंगे। वह हाफिज सईद की रैली में फिलिस्तीनी राजदूत की मौजूदगी की तस्वीरें और इससे जुड़ी खबरों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। इसराइल ने दिया यूनेस्को से हटने का नोटिस। इसराइल ने औपचारिक तौर से संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक निकाय यूनेस्को से हटने की सूचना दे दी है। 2 महीने पहले इसराइल ने घोषणा की थी कि वह इस मामले में अमेरिका का अनुसरण करेगा। यूनेस्को के प्रमुख आंद्रे अजूले ने एक बयान जारी कर बताया कि इसराइल ने शुक्रवार को इस बारे में आधिकारिक तौर से सूचना दे दी है और वह 31 दिसंबर 2018 को यह संगठन छोड़ देगा। उन्होंने कहा, इसका मुझे बेहद खेद है क्योंकि मुझे विश्वास है कि यूनेस्को के अंदर रहकर ही देश अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। बता दें कि 12 अक्टूबर को अमेरिका ने इस संगठन को छोड़ने की घोषणा की थी। अमेरिका ने उस समय यूनेस्को पर इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाया था। वोग इंडिया के कवर पेज पर छाई करीना कपूर। बॉलीवुड की हॉट एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने फैशन और स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर करीना अपने फोटोशूट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने वोग इंडिया मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया। करीना जनवरी 2018 में इशू के कवर पेज पर नजर आएंगी। इस फोटो को वोग इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। बताया जा रहा है कि यह फोटोशूट थाईलैंड के फुगेट में किया गया है। तस्वीर में करीना येल्लो बिकनी टॉप में नजर आ रही हैं। इसके ऊपर करीना ने गुच्ची ऑफ शोल्डर गोल्डन ड्रेस पहनी हुई है। आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं उज्जवल की ओर। 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए डीयू जेएनयू समेत अमेठी के 4 छात्र। दिल्ली के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 1 छात्र और एक अमेठी यूनिवर्सिटी के छात्र को ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इनके पास से 1.14 किलो ड्रग्स और 3 LSD ब्लॉट पेपर जब्त किए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल नाराज, विभाग के बंटवारे से नाखुश। गुजरात के उप मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ पाटीदार नेता नितिन पटेल ने कथित तौर पर विभागों के आवंटन को लेकर नाराज होने की अटकलें हैं। पटेल को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वीडियो सूत्रों के मुताबिक अहम मंत्रालय नहीं मिलने पर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल नाराज बताए जा रहे हैं। राज्यसभा में झटके से पास नहीं होगा 3 तलाक बिल, जुगत लगानी होगी। क्या एक बार में 3 तलाक पर बना बिल राज्यसभा की परीक्षा भी पास कर लेगा? गुरुवार की रात लोकसभा से बिना खास विरोध के पास होने के बाद अब सारी नजर राज्यसभा में अटक गई है। सूत्रों के अनुसार अब राज्यसभा में इस बिल को 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। 1 जनवरी को संसद में छुट्टी है। माना जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी कांग्रेस को अब अपनी इमेज की खासी चिंता है, इसलिए वह राज्यसभा में इस बिल को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैये नहीं अपनाएगी, जिससे सरकार की राह कुछ आसान होगी। रुख करते हैं हमारे अगले सहयोगी की तरफ। 6 जनवरी को मेरठ आएंगे मुख्यमंत्री। मोदिनपुर शुगर मिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अब 6 जनवरी को प्रस्तावित हो गया है। योगी आगमन की तैयारियों को जायजा लेने के लिए शनिवार को गन्ना विकास मंत्री आ रहे हैं। मंत्री शुगर मिल में तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के साथ निरीक्षण भी करेंगे। नववर्ष में सरकारी कर्मियों को मिलेंगे 31 सार्वजनिक अवकाश। जिला प्रशासन ने वर्ष 2018 के सार्वजनिक अवकाश की सूची कर दी है। नए साल में सरकारी अधिकारियों एवं शिक्षकों आदि को कुल 31 दिन का अवकाश मिलेगा।
कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।